आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर के कोर्ट रोड स्थित जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस व लॉकडाउन के चलते एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक प्रबंधक के साथ साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस बैठक के दौरान बैंक प्रबंधक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो किसान व उपभोक्ताओं के हित में थे। इस बैठक के दौरान बैंक प्रबंधक की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए कहा गया कि प्रदेश में कोविड 19 के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। समस्त सक्रिय सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक की शाखाएं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्य करेंगी। समिति शाखा पर सदस्य कृषकों या ग्राहकों की भीड़ न लगने दें। एक बार में 2 से अधिक ग्राहकों की उपस्थिति कदापि न होने दें। खांसी जुकाम से ग्रसित व बीमार ग्राहकों को समिति शाखा पर न बैठने दें एवं पास पर प्रत्येक ग्राहक का अंगूठा लगवाने से पूर्ण ग्राहक के साथ हाथ धुलवाने हेतु साबुन अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराएं। जल से हाथ धोने के लिए साबुन अथवा सैनिटाइजर रखा जाए। समिति शाखा पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। संभव हो तो स्प्रिट व पानी का घोल बनाकर परिसर में छिड़काव कराकर परिसर में हाइजेनिक बनाएं। कोरोना जागरूकता संबंधित नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। संबंधित शाखा प्रबंधक जारी परिचय पत्र, संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा जारी परिचय प्रमाण पत्र लेकर ही सचिव अपने समिति पर आए। ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस की संक्रमण के बचाव के संबंध में पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसमें आवश्यक सेवा वाली दुकान हैं, संस्थाएं हैं, वो खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, क्योंकि कृषकों का इस समय गन्ना कटाई का काम चल रहा है और उसके गन्ना बुआई का चल रहा है, तो कृषकों को कोई असुविधा ना हो तो कोऑपरेटिव सहकारी समितियां जो नया पंचायत स्तर पर हैं 68 हमारे जनपद में और जिला सहकारी बैंक की जो 36 शाखाएँ हैं उनके खुलने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसको मिनिमम से मिनिमम स्टाफ वहाँ पर रहेगा ताकि कृषकों को मिनिमम स्टाफ रहने से उनकी जो ज़रूरतें वो पूरी हो जाएँ और अनावश्यक भीड़ भी ना हो। उस संबंध में हमारे निर्देश दे दिए गए हैं सभी कर्मचारियों को, एक एक कर्मचारी सहकारी समिति को खोलेगा 10 से 2 बजे तक। जो भी किसान भाई हैं वहाँ इकट्ठे नहीं हुए, एक से ज़्यादा आते हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और 2 बजे तक जो भी अपनी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है या पैसे की बैंक से ज़रूरत है वो पूर्ति कर सकेंगे।